तो फ्रेंड, बहुत से लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन है कि हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, यानी हिंदी में कहें भारतीय सामाजिक कल्याण, क्या वाकई में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर के जरिए हमारे अकाउंट में हर साल पैसा ट्रांसफर करता है? तो ये क्वेश्चन अपने आप में जेन्युइन है फ्रेंड। अगर आपके बैंक अकाउंट में कभी क्रेडिट हुआ हो डीबीटी स्लैश गवर्नमेंट करके, कोई भी अमाउंट या कोई भी फंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर चला होगा कि यार क्या अभी जो क्रेडिट हुआ है क्या वो हर महीने या हर साल होगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपके वही डाउट क्लियर कर देने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है और नॉलेजफुल होने वाली भी है। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं, क्या वाकई में हमारा जो भारतीय सामाजिक कल्याण विभाग है, क्या वाकई में वो हमको हर साल हमारे पास हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है? तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि इसमें समाज कल्याण की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है भाई। उसका सीधा फंडा ये होता है कि जो भी आपको सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो भी आपको सर्विसेज दी गई हैं, जो भी भारतीय जो गवर्नमेंट है उसकी द्वारा आपको जो भी यहाँ पे फंड ट्रांसफर कराया जाता है, वो केवल और केवल उसका काम होता है ट्रांसफर करना। अगर आपके पास कोई सर्विस है, मान लीजिए आपका स्कॉलरशिप आना है, आप बीए कर रहे हो, यानी आपको पता है कि बीए 3 साल का है, और अगर आपका स्कॉलरशिप आना है फ्रेंड, तो वो डीबीटी स्लैश गवर्नमेंट के जरिए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन अगर आप कहो कि यार 3 साल के बाद ही मुझे मिलता रहे, तो फ्रेंड ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है और ना ऐसा मिलता है। पूरी के तरीके से कह सकते हैं फ्रेंड, जो आपका कंट्रोल होता है डीबीटी स्लैश गवर्नमेंट का, वो भारतीय सामाजिक कल्याण के ऊपर विभाग के ऊपर होता है, और वो हमेशा ये देखता है कि भाई अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, लीगल तरीके से अप्लाई किया हुआ है, तभी जाके वो आपको पैसा देता है। इसमें उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आपको हर साल पैसे देगा या फिर कितने लोगों को पैसा देना है, कितने लोगों को नहीं देना है। अगर उसके पास नोटिफिकेशन जाता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट जाते हैं कि नहीं भाई इस बंदे को पैसा ट्रांसफर करना है, तो भाई आपके पास आपका स्कॉलरशिप हुआ, आपकी पेंशन हुआ, आपका कुछ भी, मतलब कह सकते हैं कि जनधन विभाग योजना, जो भी सरकारी जो चलती हैं यहाँ पे, कन्या योजना चलती है, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं फ्रेंड, अगर उसका कोई भी पैसा अगर आपके अकाउंट ट्रांसफर होता है, तो वो डीबीटी स्लैश गवर्नमेंट के जरिए होता है, और यहाँ पे जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वही आपके अकाउंट में डिपॉजिट करता है। अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, भाई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या है? तो भाई इसको हिंदी में ही भारतीय सामाजिक कल्याण विभाग बोला जाता है। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।